नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछली 8 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस करी, उसकी SHM की इक्वेशन, मैकेनिकल ऑसिलेटर, उसकी दोनों टाइप, स्प्रिंग मास सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम जो कि बॉब सिस्टम रहता है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, कंपाउंड पेंडुलम, इन सारी चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। एंड टुडे वी आर हेयर विद टॉर्शनल पेंडुलम। ये भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सो तरीका हमारा वही रहेगा, हम वही पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे कि आई विल कीप ऑन स्पीकिंग, मैं बोलती जाऊंगी, यू जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन और दिमाग की खिड़कियां खुली रखिए, उन दरवाजों को, खिड़कियों को खुला रखिए ताकि जो टॉपिक है वो अंदर घुसते चला जाए और हाथ चलते चला जाए और टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों के पास रेडीमेड नोट्स हों। बिकॉज मुझे लगता है कि यही वो तरीका है जिसके जिससे हम जो स्पून फीडिंग है उसको भी रोक सकते हैं और अपने दिमाग के बंद दरवाज़ों को भी खोल सकते हैं। सो बंद दरवाज़ों को खोलिए, नोटबुक को खोलिए, पेन को खोलिए और लिखना शुरू कर दीजिए। टॉर्शनल, टॉर्शन वर्ड जो होता है, ये टॉर्शनल या मैं कहूँ कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के साथ लिंक्ड वर्ड है। हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम पहले पढ़ा कि सिंपल पेंडुलम से थोड़ा जनरल सिस्टम्स की तरफ हम आए। हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम की बात करी कि जितने मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जो मास है वो एक ही जगह पर, बॉब में जैसे एक ही जगह पर रहता है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जहाँ होता है वहाँ रहता है, ऐसा नहीं होता है। सो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की। लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमारा दिमाग उल्टा ज़्यादा चलता है कि जैसे मैं इसको ऐसे कराने की बजाय मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट करवा दूं, दैट की जो ऑसिलेशन है वो ट्रांसवर्स। आप लोगों को पता है कि दो टाइप के डायरेक्शंस की हम बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, दिस वन, इसकी लेंथ के अलोंग जो भी डायरेक्शन रहेगी उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड परपेंडिकुलर टू दैट जो रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। अब अगर मैं इसको इस तरीके से ऑसिलेट करवा रही हूँ तो ये उसी प्लेन के अंदर ऑसिलेशंस होंगी जिस प्लेन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है या मैं कहूँ कि उसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जहाँ प्रेजेंट है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने बात करी थी। लेकिन उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं ऑसिलेशंस करूँ, जिस प्लेन में हम लोग पहले ऑसिलेशंस करवा रहे थे उसके परपेंडिकुलर करूँगी तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस। तो जैसे एक वायर है, उस वायर को पकड़ के यूं ट्विस्ट करके छोड़ दिया तो वो यूं करके जो घूमेगी उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस। सो टॉर्शनल पेंडुलम में आप लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, अ बॉडी और अ मास एग्जीक्यूटिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस इज कॉल्ड टॉर्शनल पेंडुलम। यू जस्ट नोट डाउन, अ बॉडी और मास एग्जीक्यूटिंग ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इज कॉल्ड टॉर्शनल पेंडुलम। अब टॉर्शनल पेंडुलम की स्ट्रक्चर क्या रहती है? जनरली अ हैवी डिस्क कनेक्टेड टू अ वायर। आप लोग ये कह सकते हैं हैवी डिस्क सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ लॉन्ग थिन वायर कैन एक्ट एज टॉर्शनल पेंडुलम एंड अदर एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड। तो मेरे पास एक ये वायर है, लंबी वायर है, पतली वायर है बेचारी, इसका मास हम कंसीडर नहीं करेंगे, अजम्पशंस हमारी वही रहेंगी जो सिंपल पेंडुलम में के केस में रहती थी कि ये जो वायर है, दिस वायर इज थिन, इट इज कंसीडर्ड मासलेस वायर, सो दैट मैक्सिमम मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट जो डिस्क है वहां पर। सो अजम्पशंस वही रहेंगी जो सिंपल पेंडुलम के केस में थी, क्योंकि वैसी सी स्ट्रक्चर है। सो वन एंड ऑफ वायर इज फिक्स्ड जो कि हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रहेगा एंड अदर एंड ऑफ वायर इज कनेक्टेड विद द डिस्क जिसको हम हमारा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, रादर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे ऐसे घूमना है डिस्क को। सो इफ द डिस्क इज टर्न्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टू ट्विस्ट द वायर थ्रू एन एंगल थीटा then restoring torque will come, start playing its role and it will be given by tau proportional to theta. एक disc है, जैसे ये wire है और ये disc है, आपने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, you have created a twist, तो आपने ऐसे twist create किया तो ये कुछ इस तरीके से oscillate करने लगेगी, तो आपने थोड़ा सा twist जो दिया वो था angle theta. I'm again repeating, if the disc is turned in horizontal plane
to twist the wire through a small angle theta, then torque will start acting, and that torque is given by is proportional to theta, जो कि Hooke's law in elasticity भी रहता है. ये restoring torque रहेगी, it will be directly proportional to the angular displacement given to the wire. Proportionality sign हटाएंगे तो हमें पता है यहाँ पर constant mass आएंगे with the negative sign. This negative sign indicates that tau and theta are in opposite directions. हम लोगों ने theta इधर दिया, tau कहेगा ना ब्रे ना ना रे ना, वापिस आ जाए तो उसको वापिस लेकर आएगा. And this C is called torsional rigidity of the wire. This C is called torsional rigidity of the wire. कई बार exams में सिर्फ इसकी definition भी आ जाती है, what is torsional rigidity. तो आप लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द वायर इज डिफाइंड एज, यहाँ से सी किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ बाय थीटा. अगर आपको यहाँ से सी का मैग्नीट्यूड लेना है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, सो रहेगा टाउ बाय थीटा. नेगेटिव भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट रिस्टोरिंग टॉक, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है टाउ और थीटा के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन को. सो टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द वायर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग टॉक टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, tau upon theta. So this will be termed as torsional rigidity of the wire. अब बात रहेगी कि definition तो हो गई, what about its value? तो इसकी value रहती है pi eta r power 4 upon 2l. pi eta r power 4 upon 2l. इसको हम eta बोलते हैं. वो n जिसकी पूंछ को थोड़ा खींच दिया गया है उसको हम बोलते हैं eta. This eta is called modulus of rigidity of the wire. आप लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर जो क्लास 11th में पढ़ा होगा वहाँ पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक है, इलास्टिसिटी का कंटेंट कितना है. ये बताने वाले आपको पता है कि तीन मॉडुलस होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जहाँ पर शीयर स्ट्रेस वगैरह की बात आती है, एंगल की बात आती है, वहाँ पर हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सो ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द वायर, आर इज रेडियस ऑफ द वायर, एल इज लेंथ ऑफ द वायर, और पाई 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 आप सबको पता है, पाई पाई के मोहताज नहीं है हम. सो ये पाई हम लोगों को पता है कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 3.14 या फिर 22/7. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी नो दैट एनी टॉक इज गिवन बाय tau is equal to I into alpha. Rotational motion के अंदर जो torque की definition रहती है according to rotational analog of Newton's second law of motion, that is tau is equal to I into alpha. I is moment of inertia of the object and alpha is angular acceleration produced. यहाँ पर I moment of inertia of the disk रहेगा, this I is moment of inertia of the disk and alpha will be angular acceleration produced. It means ये जो alpha है ये हमें पता है, हम इसको लिख सकते हैं d2 theta by dt2. Double derivative of angular displacement is termed as angular acceleration. And suppose this is equation number 3. Now comparing 1 and 3, 1 और 3 के अंदर एक सामंजस्य स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे, ये भी tau की वैल्यू है, ये भी tau की वैल्यू है. So we can equate these two, I d2 theta dt2 is equal to minus of c theta. अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दिस d2 theta by dt2 is equal to minus c by I into theta. और साफ दिख रहा है कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो दैट दिस इज द कंडीशन फॉर टू बी ओबेड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू बी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस. हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कब एग्जीक्यूट करता है, बोलिए बोलिए बोले बोलो बोलो बोलो, तब एग्जीक्यूट करता है जब उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, और वो यहाँ पर आ गया. दैट मीन्स अ टॉर्शनल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हम फिजिक्स की अदालत में खरे उतरे हैं. सो ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे. सो मैं इरेज कर देती हूँ पहले इसको, ताकि हम अपनी अगली बात को रख सकें, अगली बात कर सकें, कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर आई है डी
टू थीटा बाई डी टी टू, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ माइनस सी प्लस सी बाई आई इंटू थीटा इक्वल टू जीरो। अदरवाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो अल्फा है माइनस सी बाई आई इंटू थीटा भी आया, हम आगे यूज भी करेंगे इसको। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ टॉर्शनल पेंडुलम। इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जहां पर एंगल की बात होगी d2 थीटा बाय d2, जैसे कि हमने सिंपल पेंडुलम में किया था, ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का, यू विल कंपेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय टॉर्शनल पेंडुलम विद द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें समझ आ रहा है इसकी जगह यही है, इसकी जगह यही है। सो दिस टर्म इज बेसिकली एनालॉग ऑफ दिस टर्म। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय आई, और आई मे कॉल ओमेगा इज इक्वल टू रूट सी बाय आई इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम। और अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, हम लोगों को अच्छे से पता है, आपको हमको सबको हर फिजिक्स विज्ञानी को अच्छे से पता है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू रहती है ओमेगा बाय टू पाई। सो वन अपॉन टू पाई रूट सी बाय आई, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय टॉर्शनल पेंडुलम। कमिंग ऑन टू टाइम पीरियड, अब चाहे तो आप टाइम पीरियड यहां से सीधा ले लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टी, वन अपॉन न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी टू पाई रूट आई बाय सी। या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, हमें पता है जनरल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड की क्या रहती है, टू पाई यहां पर रहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे टॉर्शनल पेंडुलम की वो है थीटा अपॉन एक्सेलरेशन है अल्फा, जिसकी वैल्यू हमें पता है सी बाय आई थी इनटू थीटा, तो ये थीटा ने थीटा को मार दिया। सो टू पाई आई बाय सी, ये वही आ गया जो यहाँ पर था। सो इन एनी वे यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ टॉर्शनल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है, एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द वायर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी। सो ये कहानी थी टॉर्शनल पेंडुलम की। अब बात रहती है कि पढ़ाया क्यों जा रहा है, भैया पागल हैं क्या हम, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये। सो बेसिकली वी वॉन्ट टू नो द यूजेस कि टॉर्शनल पेंडुलम भैया यूज कहाँ कहाँ आता है। आप कहेंगे इसके अंदर तो फॉर्मूले में जी भी नहीं है, तो जी कैलकुलेट करने वाला तो काम ही नहीं है, जो कि कंपाउंड पेंडुलम में था, सिंपल पेंडुलम में था, हम वहाँ बात करते थे कि हम लोग इससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं टाइम पीरियड टी की वैल्यू एक बार यहाँ लिख देती हूँ, सो दैट आगे आसानी रहे। तो इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्मूले में आई आ रहा है, टाइम पीरियड में सी आ रहा है। सो टू कैलकुलेट यूजेस ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम, नंबर वन वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नंबर टू वी कैन दिस कैन बी यूज टू कंपेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज, एंड नंबर थ्री वी कैन यूज दिस टॉर्शनल पेंडुलम टू फाइंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर मैं कहूँ कि रिजिडिटी ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ एनी वायर आई कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी कैलकुलेट हो गया तो ईटा आ जाएगा अपने आप, बेचारा उसको प्यार करता है, उसके पीछे 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 चला आता है। सो कमिंग ऑन टू दीज यूजेस, देखिए अगर आपके पास एक टॉर्शनल पेंडुलम है, फर्स्ट यूज टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आप सर जस्ट ऑसिलेशन दीजिए, उसका टाइम पीरियड मेजर कीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट आई बाय सी, आपको ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता है, तो सी कैलकुलेट हो जाएगा। सी कैलकुलेट हो गया तो पाई ईटा आर पावर फोर अपॉन टू एल फॉर्मूले में पुट करवा के ईटा कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस वाज टू फाइंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद मैं बात करूंगी कि कंपैरिजन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग टॉर्शनल पेंडुलम, और इसी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कंपैरिजन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से लेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट की। सो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू टू पाई रूट आई बाय सी।
Let us first put a solid sphere on this disc and make this wire to execute transverse vibrations. हमें पहले इस डिस्क के ऊपर सॉलिड स्फीयर को रख देना है और उसको ऑसिलेशंस दे देनी है और उसका टाइम पीरियड मेजर कर लेना है. सो वो टाइम पीरियड मैंने माना टी एस आया. इट विल बी 2π√. अब यहाँ पर हमने सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, ये हमारी डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका आई एस है, तो फॉर्मूले में टोटल आ जाएगा आई आई एस अपॉन सी, क्योंकि वायर सेम है सो सी विल रिमेन सेम. आप लोग इक्वेशन नंबर दे दीजिए जितनी भी आ रही थी. लेट अस सपोज मैं इसको इक्वेशन को D1 कह देती हूँ, दिव्या 1. सो उसके बाद आपको वो सॉलिड स्फीयर वहां से उठा लेना है. यू जस्ट रिमूव सॉलिड स्फीयर फ्रॉम द डिस्क एंड पुट हॉलो स्फीयर ऑन इट एंड अगेन गिव वाइब्रेशंस टू दैट डिस्क एंड नोट द टाइम पीरियड. तो अगेन आप हॉलो स्फीयर को रख के टाइम पीरियड मेजर करेंगे. अब फॉर्मूला बन जाएगा आई प्लस आई एच अपॉन सी इक्वेशन नंबर D2. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर डी. अब हमें क्या करना है, हमें अपनी इक्वेशन नंबर D1 को D से डिवाइड करना है. सो डिवाइड D1 बाय इक्वेशन नंबर D मींस मेरे पास TS बाय टी, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है. जब मैं डिवाइड करूंगी 2π को मार देगा, C C को मार देगा. सो हमारे पास आएगा I प्लस आई एस अपॉन I इसका रूट. अब मैं करूंगी दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग. टी एस स्क्वायर टी स्क्वायर आई प्लस आई एस अपॉन आई. इसको हमें पता है बेस सेम है, तो आई बाय आई प्लस आई एस बाय आई एम लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट इट 1 + IS/I. तो अब ध्यान दीजिए इधर, टी एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आई एस बाय आई. आई कैन राइट, मैंने 1 को उधर दिया, धक्का मारा, बेचारा इधर आ गया. अब यहां से यहाँ पर टी स्क्वायर भी था, सो आई एस बाय आई आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. टी एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर D3. एग्जैक्टली सेम आई विल डिवाइड D2 बाय D. आप लोग ये सारे स्टेप्स को दोबारा से फॉलो कीजिए. D2 बाय D करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी एच बाय टी, अगेन आई प्लस आई एच बाय आई रूट. सो उसी तरीके से दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, फिर 1 प्लस लिखेंगे इसको, फिर वो 1 इधर लाके हम माइनस करेंगे. तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ हमारे पास अब क्या आ जाएगा, आई एच बाय आई, प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर. आप लोग इतने सुपर मैथमेटिशियन हैं, आप लोग उन सिमिलर स्टेप्स को दोबारा कर सकते हैं. और आपको एक खास बात बताऊं, ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर सिमिलर मैथमेटिकल स्टेप्स को रिपीट करने के आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होते. बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं, आप लोग लिख सकते हैं प्रोसीडिंग जस्ट लाइक अबाउ केस वी गेट. आप लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं टी एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इक्वेशन हो गई D4. अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है D3 और D4. मैं यहां से इरेज कर देती हूं इसको एंड वी आर वेरी नियर टू आर डिजायर्ड रिजल्ट. हम अपने रिजल्ट के बहुत पास हैं, अपने गंतव्य के पास पहुंचने वाले हैं. सो इट इज व्हेन वी डिवाइड दीज टू इक्वेशंस D3 और D4, जब आप डिवाइड कर देंगे D3 बाय D4 तो हमें मिलेगा IS बाय IH. II मार देंगे एक दूसरे को, TT भी मार देंगे, तो हमारे पास बचेगा टी एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. सो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कंपेयर मूमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर. अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो IS बाय IH ग्रेटर देन 1, IS ग्रेटर देन IH हो जाएगा. अगर ये लेस देन 1 आ जाती है कैलकुलेट करने पे तो IS लेस देन IH हो जाएगा. अब आप कहेंगे कि ये तो आपने कंपैरिजन किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे. मेथडोलॉजी यही रहेगी, मैथमेटिक्स यही रहेगा, दोनों स्फीयर्स में से एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी और दूसरे वाले की वैल्यू निकल आएगी. सो इन दिस वे ये जो टॉर्शनल पेंडुलम है ये बड़े काम की चीज़ है भैया. कहने को छोटे गांव का होता है, बड़े गांव का बंदर नाचे तो धर्मेंद्र. सो ये बड़े काम की चीज़ है टॉर्शनल पेंडुलम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगले टॉपिक्स के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय.